नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं विजया पंत तुली जी। इनकी एक पहचान ये है कि ये पर्वतारोहिणी है और दूसरी पहचान ये है कि ये मधुरमा तुली की मम्मा है। हाउ आर यू? फाइन। नमस्कार सबको और आप लोगों को भी। थैंक यू। इनसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस को आज जब देखती हैं, अगर पिछले हफ्ते की मैं बात करूं तो मधुरमा का क्या स्वभाव? ऐसा ही है वो, थोड़ी मस्त मौला जैसी है वो? स्वभाव तो उसका थोड़ा शांत है। जब बहुत छोटी थी तो हमको स्कूल में बुलाया जाता था, धनबाद में कॉन्वेंट स्कूल था, तो कहते थे कि आपकी बच्ची तो कुछ बोलती नहीं है। अच्छा। और हम हर वीक हमको जाना पड़ता था, कुछ बोलती नहीं है। बचपन में ऐसी थी वो। अच्छा। बाद में थोड़ा बोलना शुरू किया और मतलब मम्मी से चिपकने वाली, ज्यादा मम्मी या उसकी जो एक फ्रेंड थी कविता, उसके साथ चिपकने वाली लड़की थी वो। तो अभी फिर भी थोड़ा बोलने लगी है और बिग बॉस में भी मुझे अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं भेजी हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो बोल रही थी मम्मी जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये एक ऐसा मंच है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सब कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ स्ट्रांग बन सकते हैं, इसलिए मैंने भेजा कि वहाँ पर जाके ये बोलना सीखे और सबसे सबके साथ करे, मतलब मिले जुले। हाँ। लेकिन मधुरमा की अगर मैं बात करूँ तो फिल्मों में भी आई है, सीरियल्स में भी किया है, इनफैक्ट बहुत बार मैंने उनका सीरियल के लिए भी इंटरव्यू किया है। हाँ। तब मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो बहुत शाय हैं या बातचीत नहीं करती होंगी, तो उसका यही एक सबसे बड़ा है कि जैसे कोई बैठ के उसके साथ ठीक से बात कर रहा है तो वो फिर वो काफी बोल लेती है, मतलब उसको पूछना पड़ता है। अच्छा। कि अगर उसको पूछेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे तो वो जवाब देती है, लेकिन अपने आप बढ़ के किसी को वो ज्यादा बात जाती नहीं है बात करने के लिए, कि अपने आप बढ़े। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि कोई आ रहा है तो सब हो करके जा रहे हैं, बहुत खुश हो करके, लेकिन वो पीछे खड़ी है। हाँ। जब कोई उसको मिलता है तब वो फिर खुशी से मिलती है। अच्छा। नेचर है उसका। अभी लास्ट वीक की अगर बात करते हैं तो वो शहनाज को लेकर वो बहुत बता रही थी कि देखो मुझे लेटना है, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो क्या थी उनकी बदमाशी थी कि वो मस्ती कर रही थी? नहीं, चेहरे से तो लग रहा था कि तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। चेहरे से लग रहा था, लेडीज की प्रॉब्लम कुछ होती है ना, तो कभी कभी आदमी बता नहीं पाता है, लेडीज के साथ कई सारी प्रॉब्लम होती है, तो वो शायद मेरे ख्याल से वो एक मेन प्रॉब्लम था कि वो इसलिए उसके फेस से लग रहा था कि वो बहुत थकी हुई है, बहुत हुए। पर जैसे शहनाज कैप्टन थी, शहनाज मुझे बहुत प्यारी लगती है, ऐसा नहीं है। उसका जो चुलबुलापन है, उसका जो ये दूसरे को खुश रखना भी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो शहनाज का है ना, बड़ी बात है कि उस इतना अच्छा कर रही है। और जैसे जिस दिन वो घुसी थी तो उस दिन तो उसने बहुत ही प्यारा किया था। हाँ, मौसी बेचारे को, विशाल को तो सब मौसी बोलने लग गए थे, तो अब भी उन दोनों का बहुत अच्छे से दोनों रह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शायद एक दूसरे को सपोर्ट करते करते हो सकता है दोनों ही पहुंच जाए फाइव में, टॉप फाइव। तो आई थिंक उनके रिश्ते को भी एक नया चेहरा मिल रहा है, खूबसूरत। हाँ, सुंदर चेहरा मिल रहा है। और उनके जो फैन हैं, जो नच बलिए के, वो तो इतने दीवाने हैं, इतने दीवाने उन दोनों के कि उनको कुछ और दिखाई नहीं देता है। बिरमा मतलब मधुरिमा और विशाल उनके दिलों में बसे हुए हैं, जो बहुत खुशी होती है मुझे उन्होंने अपने साथ जोड़ा है उसमें ट्विटर में, तो मुझे बोलते फोटो भेजे आंटी उन दोनों का शादी कर दीजिए जल्दी। तो बहुत फैन है वो, बहुत बड़े बड़े फैन है उसके भी, मधुरिमा विशाल के और मधुरिमा के भी। तो आप कब शादी होते देखना चाहती हैं? आप कब पंडित जी से मिल रही हैं? मैं तो कह रही निकल के आ जाओ शादी करके, सलमान खान शादी करा दे तो बहुत अच्छा है। कल भी मुझे बड़ा मजा आ रहा था जब सलमान खान बार बार कुछ बोल रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था। चलिए, मतलब वैसे बिग बॉस ने इसके पहले भी शादियां करवाई हैं, तो लग रहा वहीं पे हो जाए तो। सही में बहुत अच्छा, खर्चा भी बचेगा। ये होती है मम्मी की सोच। तो वो जो वहाँ की लड़ाई है उसको देख के तो उनको लग रहा होगा ये तो हमारी कुछ भी लड़ाई नहीं, इसलिए दोनों मिल गए अभी अच्छा से रह रहे हैं। और उनको भी समझ आ गया कि थोड़ा बहुत लड़ाई सबकी होती है। अभी तो सब उन दोनों को काजोल और शाहरुख खान बोलने लग गए हैं सब। उस आज मैं पढ़ रही हूँ तो सब उनको काजोल, और वो जो शुरू में लड़ते हैं दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे, तो अभी काजोल उनका टैग मिल गया, उनका पहले कबीर सिंह का था अब ये मिल गया, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, आप मधुरमा को कितना प्रबल दावेदार मानती हैं जीत के लिए? जैसे शुरू से वो जाती तो वो बहुत बड़ी दावेदार थी, अभी तक उसे जितने भी किए हैं, आई कैन डू दैट, नच बलिए, खतरों के खिलाड़ी में डिनो मौर्या के साथ थी, उसके पार्टनर थी, तो सब में वो दूसरे या तीसरे नंबर पे रही है। तो अगर शुरू से अगर ये जाती तो शायद अभी, क्योंकि इन लोगों को टाइम बहुत कम था, अभी उसको सिर्फ एक महीना हुआ है, लेकिन फिर भी उसने सबके दिल में घर बना लिया है। और कितनी बार ट्विटर में वो
ट्रेन करती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस इतना अच्छा कर रही है। और जैसे जिस दिन वो घुसी थी तो उस दिन तो उसने बहुत ही प्यारा किया था, हाँ मौसी, बेचारे को विशाल को तो सब मौसी बोलने लग गए थे। तो अब भी उन दोनों का बहुत अच्छे से दोनों रह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शायद एक दूसरे को सपोर्ट करते करते हो सकता है दोनों ही पहुंच जाए फाइव में, टॉप फाइव। तो आई थिंक उनके रिश्ते को भी एक नया चेहरा मिल रहा है, खूबसूरत सुंदर चेहरा मिल रहा है। और उनके जो फैन है जो नच बलिए के, वो तो इतने दीवाने हैं, इतने दीवाने उन दोनों के कि उनको कुछ और दिखाई नहीं देता है। बीरमा